मेरा नाम पीएल मेहता है। पार्टीशन के टाइम पर मेरी उम्र 10.5 साल थी। हम लोग पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट झेलम के रहने वाले हैं। हमारे गांव का नाम साहूवाल था, जहां पर हमारा एक पूरा परिवार जो है 14 फैमिली मेंबर्स रहते थे। हमारे घर में जो एरिया था लगभग एक एकड़ में, आधे एकड़ में मकान था, आधे एकड़ में अपना गाय भैंस रखने के लिए जगह बनाई हुई थी। पार्टीशन होने के बाद में मुझे नहीं पता था कि पार्टीशन में क्या होता है। जब वहाँ पर जुलूस निकला तो मैं भी उनके साथ हो लिया। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, मैंने भी लगाने शुरू कर दिए। मुझे मालूम नहीं था कि पार्टीशन होता क्या है। लेकिन कुछ समय बाद हमारे पिताजी के मित्र आए, उन्होंने कहा कि जी आप लोगों के ऊपर अटैक हो जाएगा, आसपास के गांव वाले जो है आपको आपसे पैसा भी लूट ले जाएंगे और आपको मार भी देंगे। हमारा परिवार बहुत सपन्न परिवार था। उस समय हमारे पास 50,000 रुपये कैश और 5 किलो सोना था। हमारे पिताजी के एक मित्र थे सैयद, उन्होंने कहा जी आप लोग हमारे घर में आ जाइए, आपको मेरे घर में आओगे तो आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। हम लोग उनके घर चले गए। फिर लोगों को कैंप ले जाने के लिए मिलिट्री ने आना शुरू कर दिया। मिलिट्री जब आई तो किसी ने हमारे पिताजी से कहा कि आपसे ये पैसे भी छीन लेंगे और आपका सोना भी ले जाएंगे। तो उन्होंने अपने मित्र के पास सारा पैसा और सोना रख दिया। 24 सितंबर सुबह 10 बजे अटैक शुरू हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने पैसे छीने, जो कुछ है दे दो हम मारेंगे नहीं। उसके बाद में यंग लड़कियां निकालनी शुरू कर दी। 300-400 लड़की, 4,000 पूरी ट्रेन में पैसेंजर थे। पहले तो उन्होंने 300-400 लड़कियां निकाल ली, फिर ऐसा काटना शुरू कर दिया जैसे ओपन वैगन में गन्ना बाहर निकला होता है, उसको जैसे काटते हैं ऐसे इस तरह से तलवार से लाठियों से मारना शुरू कर दिया। मेरे परिवार के 14 मेंबर्स थे, 11 मेंबर्स को मेरे सामने मारा गया। वो पूरी ट्रेन दिल्ली लाई गई। वो ट्रेन को नेहरू को दिखाया गया, जवाहरलाल गांधी को दिखाया गया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पटेल जी ने देखा तो उन्होंने कहा एक के बदले 4 होना चाहिए। 3 ट्रेन कटने के बाद में पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। ये पोजीशन थी। मेरे परिवार के 14 मेंबर्स थे, 11 मेंबर्स को मेरे सामने मारा गया। उस बाई चांस दो मुसलमान आपस में बात कर रहे थे कि तेरा बेटा कोई नहीं है, ये लड़का है, इसको अपना बेटा बना लेना, ले जा। पिताजी ने मेरे उनसे कहा कि जी इसको ले जाओ लेकिन मारना मत। बाई चांस मेरे पास एक घड़ी, घर में एक घड़ी मुझे मिली, रिस्ट वॉच, वो मैंने जेब में रखी थी। मैंने कहा मेरे से घड़ी ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने घड़ी लेके मुझे छोड़ा तो साइड में एक औरत बैठी थी जिसने जेवर पहने हुए थे, उनके जेवर उतारने में लग गया। मुझे अपने चाचा जी ने अपनी तरफ बुला के नीचे बिठा के ऊपर अपना पगड़ी खोल के ऐसे ऊपर डाल ली। उनको तलवार से मारा गया और तलवार का अगला पोर्शन मुझे भी गर्दन पर लगा। हम बैठे रहे वहीं पर, 3,500 आदमियों को उन्होंने मार दिया। जो बचे हुए थे या तो ज्यादा जख्मी थे या मुर्दों के नीचे छुपे हुए थे, जिनमें से मैं भी एक था। हम फिर मिलिट्री ने ये कहा, मिलिट्री वालों ने, अब जब वो थक गए वो चले गए, मिलिट्री वालों ने कहा कि आप लोग प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, अब वो चले गए। प्रोग्राम ये था कि इनको प्लेटफॉर्म पर लाके सबको मार दिया जाए। लेकिन हमारी किस्मत कुछ अच्छी, ऐसी अच्छी थी कि हिंदू मिलिट्री का कॉन्वॉय वहां से पास हो रहा था। मेन रोड जो थी स्टेशन के साथ में लगी, अटैच थी। कामों की स्टेशन जो है बिल्कुल
जीटी रोड के ऊपर था, स्टेशन के ऊपर पुलिस मिलिट्री हमारी हिंदू मिलिट्री आ गई। उन्होंने जो हमारे साथ बलोच मिलिट्री थी, बलोच मिलिट्री ये काम ये करती थी कि जो यंग लड़का निकल के भागता था वो बलोच मिलिट्री गोली मार देती थी। ये पोजीशन थी हमारे वहाँ पर। उसके बाद हम लोगों को ये कंडीशन लगाई गई कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ जितने ज़्यादा जख्मी है या थोड़े बहुत जख्मी है। हमें गुजरांवाला हॉस्पिटल में वहाँ से ट्रेन में शिफ्ट कर दिया गया। डेड बॉडीज़ की जो ट्रेन थी उसके ऊपर लिखा गया तोहफे तो हिंदुस्तान टू महात्मा गांधी एंड महात्मा जवाहरलाल नेहरू। हॉस्पिटल में हमारी हालत ये थी कि 5-6 वहाँ पर लोअर स्टाफ जो था वो हिंदू था, बाकी डॉक्टर सारे मुसलमान थे। जो ज़्यादा जख्मी थे उनको इंजेक्शन देके मारना शुरू कर दिया। हिंदू कंपाउंडरों ने सबसे आके कहा कि इनसे ना इंजेक्शन लगवाना ना दवाई लेना, हम ये अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, अब आपको सब ट्रीटमेंट हम करेंगे। हॉस्पिटल में उन बेचारों ने पूरी रात हमारी सेवा करी, सबकी पट्टियां करी। मेरे पास जो कमीज थी, मेरे चाचा जी को जब तलवार से मारा तो खून से पूरी भर गई थी, वो मैंने कमीज उतार के फेंक दी। एक दिन मैं बगैर कमीज के रहा। हॉस्पिटल के हिंदू स्टाफ ने मुझे एक छोटी सी कमीज ला के दी जो मैंने पहनी। बाई चांस 2 दिन के बाद में जब हमें हिंदुस्तान शिफ्ट करना था तो फ्लड आ गए, रोड्स ब्रीच हो गई। 15 दिन हमको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल में हमको एक रोटी सुबह और एक रोटी शाम को मिलती थी, जिसके ऊपर दाल डाल के थोड़ी सी दे देते थे। लेकिन हमारी किस्मत थोड़ी सी ऐसी अच्छी थी कि 3-4 दिन के बाद में RSS वालों को पता चला कि यहाँ पर जख्मी आदमी आए हुए हैं। वो गोलियां चलते हुए, गोलियों के बीच में चलते हुए वो लोग हम लोगों के लिए कपड़े लेके आए, खाना लेके आए, और एक मुसलमान औरत जो है वो भी खाना बना के लाती थी। हम लोग कहते थे कि ये इसमें जहर होगा, ये हम नहीं लेंगे। इस वजह से 15 दिन रहने के बाद में फिर हमको ट्रकों में अमृतसर शिफ्ट किया गया। अमृतसर से हमारे मौसा जी जो थे उस समय SP पुलिस थे अम्बाला के, हम लोग वहाँ आए। हम लोग जो है मेहता जो फैमिलीज हैं, हम लोग मियाल ब्राह्मण हैं। हमारे जितने पाकिस्तान में जितने हमारे परिवार थे या तो मिलिट्री में थे या पुलिस में थे या खेती करते थे। आर्मी में हमारे पार्टीशन के बाद में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के 4 आर्मी जनरल्स रिटायर हुए हैं, उनमें से और 2 गवर्नर चंडीगढ़ के जो थे वो भी मेहता फैमिली से हैं। एक मिजोरम के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी छिबर रहे हैं। पार्टीशन के बाद में हम लोग सारे हिंदुस्तान में बिखर गए। कुछ लोग व्यापार करने लगे, कुछ नौकरी करने लगे, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। कुछ आप ये देखिए, पार्टीशन के बाद में भी हमारे आर्मी में या इंडस्ट्री में सब लोगों ने बड़ी मेहनत करके, मोहन मेकिन जो है वो भी मुयाल मेहता फैमिली से ही है। सिस्टोपिक एक कंपनी है दवाइयों की, जिनका टर्नओवर करीब 350-350 करोड़ है। उन्होंने प्रोफेसर थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपनी कंपनी बना ली, उन्होंने दवाइयों की फैक्ट्री खोल ली। कुछ लोग फिल्म लाइन में चले गए, जैसे कि सुनील दत्त उनका बेटा और ओम प्रकाश, अनंत बख्शी, ये सारे मेहता फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने यहाँ आने के बाद में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैंने 15 साल की उम्र में कमाना शुरू किया था। आज मेरी उम्र 85 प्लस है और मैं अभी तक अपना बिजनेस हैंडल करता हूँ। और लेकिन पुरानी यादें बुला नहीं सकता। कश्मीर फाइल को देख के मुझे
खुद महसूस होता था कि जो उनके साथ हुआ है वो हमारे साथ पहले हुआ था, उनके साथ अब हो रहा है। आप लोगों ने मेरी व्यथा सुनी, उसके लिए धन्यवाद। जो पार्टीशन के तीन आदमियों को मैं जिम्मेदार मानता हूं, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और जिन्ना। अगर महात्मा गांधी मान लेते कि जिन्ना ने ये सजेस्ट किया था कि 5 साल में 2 साल हमें प्राइम मिनिस्टरशिप दी जाए इंडिया की, 3 साल जवाहरलाल रहे, लेकिन जवाहरलाल नहीं माने थे इस, और उनको सबको मालूम था कि जिन्ना ने 6 महीने या 1 साल के बाद में मर जाना, उसको टीबी थी, ये हालत थी। गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया इंडिया में। इंडिया वालों ने पता है सबसे बड़ी बेवकूफी जो की, गवर्नर जनरल उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया क्योंकि वो नेहरू के दोस्त थे। ये बहुत सारी ब्लंडर्स ऐसी हुई हैं। जितने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं पुराने, सारे मुसलमान रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों की उनकी हिस्ट्री जो है उन्होंने रिपीट करी है। हिंदुओं के किसी महाराणा प्रताप या शिवाजी के बारे में किसी ने 2 लाइनें भी नहीं लिखी हैं। ये हमारी भारत की व्यथा है। धन्यवाद।